So hey guys, in this video we are going to discuss about the curve on railway track. So guys, mostly जो curves होते हैं ना track में हमारे, तो उसके तीन parts होते हैं. पहला transition curve, मतलब जहां से आपका curve चालू हो रहा है. उसके बाद आता है circular curve, and then again जहां पे curve end होता है, फिर वो हो जाता है transition curve 2, मतलब ये जहां से शुरू हुआ वो 1, then ये circular part, and then फिर last में जहां पे end हो रहा है वो transition curve 2. अभी क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं. तो कर्व ट्रैक पे रेलवे रूट में प्रोवाइड करने का बहुत सारा रीजन है. रिमोट एरिया रीजन हो सकता है, ट्रैफिक रीजन हो सकता है, हार्ड रॉक हो सकता है, कहीं पे हार्ड रॉक है, प्लेटफॉर्म है. तो बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से हमें कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है अपने रूट पे. अभी क्या है ना कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोल रहा कि ट्रांजिशन कर्व, तो देखो क्या है कि ट्रांजिशन कर्व में हमारा रेडियस फिक्स नहीं होता है. जो पूरा आपका सर्कुलर कर्व होगा उसमें आपका रेडियस फिक्स होगा, देन अगेन आपका ट्रांजिशन कर्व चालू होता है. अभी क्या है कि आप ये सोचो कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज है और डायरेक्टली आप कर्व में, मतलब आप डायरेक्ट टर्न नहीं कर सकते, धीरे 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 क्या करना होता है, उसको टर्न कराना पड़ता है. तो ये काम करता है आपका ट्रांजिशन कर्व. इसमें रेडियस चेंज करते हैं धीरे धीरे, ये ट्रेन को आपके इसी ट्रैक पे रखते हुए कर्व की तरफ मोड़ने का काम करता है. देन आपका एक सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व का मतलब है सर्कल में क्या होता है, आपका रेडियस फिक्स्ड होता है. ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर रेडियस निकालोगे तो वो सेम आएगा, तो वो आपका सर्कुलर कर्व, मतलब आप पूरे सर्कुलर कर्व में जब आपका ट्रैक चला जाता है, डैट्स मीन कि आप रेडियस है वो फिक्स्ड हो गया. देन फिर तो जैसे हमारा सर्कुलर कर्व खत्म होता है, तो देन अगेन सेम लॉजिक, आप अगेन फिर से एकदम से आप स्ट्रेट में, आपको सर्कुलर कर्व को छोड़ना है, फिर से आपकी ट्रैक स्ट्रेट होनी है, तो आप एकदम से उसको सीधी ट्रैक पे नहीं ला सकते. देन अगेन ट्रांजिशन कर्व जो है वो आपके रोल में आता है. जिस तरीके से यहां पे हमारा धीरे धीरे वो कर्व में ला रहा था, ट्रांजिशन सर्कुलर कर्व में लाने में हेल्प करता, उसी तरीके से फिर वहां से आपका ट्रांजिशन कर्व चालू होता है और धीरे धीरे वो आपके रेल को सीधे स्ट्रेट ट्रैक पर लेकर आता है. सो गाइज, मेन जो हमारा टॉपिक था, कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व एंड अगेन ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये तो समझ लिया. अब इसके बाद क्या है कि आपको जो आपका कर्व सेक्शन होता है ना, वहां पे कुछ ये लिखा रहता है, S10, V42 एंड SE79. तो पहले क्या है वो समझते हैं, उसके बाद मैं समझा देता हूं. सबसे पहले तो S का मतलब होता है स्टेशन, ये है स्टेशन नंबर 10. ठीक है, देन आपका वी यहां पे डिफाइन कर रहा है वर्साइन, यानी कि यहां पे वर्साइन जो है वो 42 है, और ये SE है वो है सुपर इलेवेशन जो कि है यहां पे 79. तो पहले मैं स्टेशन को समझा दूं, मैं बताऊंगा सुपर वर्साइन भी कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड देन ये सुपर इलेवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्टेशन में क्या है दोस्तों, कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पे बेसिकली आपके पास तीन पार्ट है, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व और उसके बाद अगेन जो ट्रांजिशन कर्व है, हो गया तीन पार्ट. अभी क्या है कि जब इसका स्टेशन निकालना होता है तो स्टेशन इन एवरी 10 मीटर मार्क करते हैं, मतलब एक स्टेशन आपको यहां है तो फिर दूसरा स्टेशन आपको 10 मीटर के बाद वहां पे देखने को मिलेगा. आप देख सकते हो वहां पे है, मैं जूम करके थोड़ा आपको दिखाता हूं, आगे में नहीं दिख रहा है. ठीक है, हाँ दिख रहा है आपको, ये है आपका इन एवरी 10 मीटर्स आपको स्टेशन मार्क करने. तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि नंबर ऑफ स्टेशन कैसे रहने वाले. ठीक है, यहां से वहां से जीरो शुरू होगा, देन स्टेशन 1, 2, 3, 4, जैसे कि अगर यहां पे 10 स्टेशन है तो वहां पे आपका स्टेशन नंबर 9 होगा. तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जो टोटल आपका जो कर्व पोर्शन है, इंक्लूडिंग ट्रांजिशन, देन आपका सर्कुलर, देन अगेन ट्रांजिशन, तो आपको क्या करना, उस जो टोटल लेंथ होगा उसको 10 से डिवाइड कर देना. फॉर एग्जांपल क्या करो, जो टोटल सर्कुलर पाथ जो है वो है, सर्कुलर पाथ बोल रहा हूं, जो कर्व का लेंथ है तो वो है आपको समझ लो कि 230 मीटर, तो आपको डिवाइड कर दो 10 से, जितने नंबर ऑफ आपके क्या होंगे वहां से स्टेशन निकल कर आ जाएंगे. अब समझ में आया स्टेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसी के हिसाब से स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 करके मार्क करते हैं. ये 10 मीटर में इसलिए मार्क किया जाता है कि वर्साइन कैलकुलेट करते वक्त आपको ये पॉइंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हम लोग कॉर्ड लेंथ लेते हैं 20 मीटर में, और उसके बीच में कॉर्ड लेंथ हमारा रहेगा 20 मीटर, और उसके बीच यानी कि 10 मीटर में वहां पे वर्साइन चेक करते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि एवरी 10 मीटर में हमारा वहां पे वर्साइन है कितना, और उसके बाद आप उसको चेक करोगे. सो स्टेशन तो हो गया, अब समझते हैं वी रिप्रेजेंट करता है वर्साइन. वर्साइन क्या है कि सपोज ये आपका कर्व पार्ट है. ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अगर आप
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन खींचते हो, उसको क्या बोलते हो? क्वाड बोलते हो। तो वो जो डिस्टेंस, सपोज कि आपने 20 मीटर पे दो पॉइंट ले लिया, तो उसका जो सेंटर होगा यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर में एक परपेंडिकुलर लेंथ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो कुछ भी नहीं है, वो उसका वर्साइन है। अब वर्साइन यूज किया जाता है कर्व को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। टीसी से कर्व स्मूथ नहीं हो पाता है, तो फिर आपको फाइनली कर्व आपका स्मूथ रहे, सुपर एलिवेशन सही से प्रोवाइड हो, उसके लिए आपको वर्साइन चेक करना है इन एवरी 10 मीटर। दैट इज व्हाई वी हैव टू मार्क स्टेशन इन एवरी 10 मीटर। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन, कि आप वी कैलकुलेट कैसे करोगे। तो वी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है क्वाड लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 into r, ठीक है। क्वाड लेंथ जैसे मैंने बोला इन एवरी 20 मीटर हमें चेंज चेक करना होता है, तो क्वाड का लेंथ कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कर दे मतलब 400 डिवाइडेड बाय 8 r, जो वहां पे रेडियस होगा उसका 8 times मल्टीप्लीकेशन है वो उससे डिवाइड होता है। क्वाड लेंथ एल स्क्वायर सी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 r, जो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका वर्साइन, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे वर्साइन 42 है, वहां पे अराउंड 38 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला से समझ में आता है कि वर्साइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके रेडियस से। जितना ज्यादा रेडियस आएगा दोस्तों उतना कम आपका वर्साइन होगा, या फिर जितना ज्यादा वर्साइन होगा आपका रेडियस कम होता जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां पे 38 था, यहाँ पे 42 है, इसका मतलब है कि ये वर्साइन इंक्रीज हो रहा है इस तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे जाते वक्त हमारा जो रेडियस है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्साइन इंक्रीज हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा रेडियस डिक्रीज कर रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये आपका वर्साइन ट्रांजिशन कर्व में इंक्रीज, जीरो से चालू होगा और इंक्रीज होगा, और फिर वो एक पॉइंट पे जाकर फिक्स हो जाएगा। फिक्स कहां पे होगा? आपके सर्कुलर पार्ट में। सर्कुलर पार्ट में क्यों फिक्स होगा दोस्तों? कि सर्कुलर पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा रेडियस फिक्स हो जाता है, और इसमें हमारा वेरिएबल क्या है वर्साइन के फॉर्मूला में, वी इज इक्वल्स टू क्वाड लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 r। तो r हमारा कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से हमारा थ्रू आउट जो सर्कुलर कर्व में हमारा जो वर्साइन भी आएगा वो भी कॉन्स्टेंट आएगा। जहां पे आपका ट्रांजिशन कर्व फर्स्ट होता है वहां से जीरो से शुरू होगा, उसके बाद एक पॉइंट जहां से आपका सर्कुलर पाथ शुरू होता है वहां पे जाके आपका वर्साइन कांस्टेंट हो जाएगा, थ्रू आउट सर्कुलर कर्व में आपका वर्साइन कांस्टेंट होगा, और फिर धीरे धीरे करके वो जीरो एंड हो जाएगा। एंड इसलिए हो जाएगा, फिर अगेन हमारा जो ट्रैक है वो स्ट्रेट होने वाला है, रेडियस खत्म होने वाला, तो देन अगेन जाकर वो जहां पे ट्रैक स्ट्रेट होने वाला वहां पे जाके आपका वर्साइन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों कि ये जो एस सी लिखा उसका मतलब क्या है। SE71 SE जो मैंने बताया आपको वो सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। कर्व में आपको सुपर एलिवेशन यानी कि टैन प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी क्या है, ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला दोस्तों जीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 r। अब जी क्या है? जी रिप्रेजेंट करता है गेज को। गेज क्या है कि रेल के इनर टू इनर फेस का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये इनर फेस से लेकर ये इनर फेस जो है आपका, उसके जो बीच का डिस्टेंस है उसको बोला जाता है गेज। तो जो आपका गेज होगा, गेज का जो लेंथ होगा वो हो गया आपका जी। उसके बाद वी स्क्वायर, वी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, मतलब यहां पे जो ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम आपको लेना है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी वो, तो जी वी स्क्वायर मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना है डिवाइडेड बाय 127 r। r रिप्रेजेंट करता है आपके रेडियस को। तो ये हो गया सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला। अभी इस पे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स है वो समझते हैं। जैसे ही आपका कर्व चालू होगा, ठीक है, जैसे ही आपने कर्व की तरफ घुमा, मतलब जो हमारा कर्व पोर्शन है ट्रैक का, तो जैसे ही चालू हुआ तो वहां से आपका सुपर एलिवेशन इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां 71 है तो आगे उससे ज्यादा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वो जाके कांस्टेंट हो जाता है आपके सर्कुलर पाथ में। जैसे कि आपका वर्साइन कांस्टेंट होता था सर्कुलर सेक्शन में जाके, अगेन ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और एक पॉइंट जैसे ही हम सर्कुलर पाथ में घुसते हैं वहां पे जाकर आपका सुपर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप सर्कुलर पाथ में जब तक रहोगे, ट्रैक जब तक रहेगा तब तक कांस्टेंट। अब जैसे ही सर्कुलर पाथ से आप बाहर निकल रहे हो तो धीरे धीरे, क्योंकि आप कर्व खत्म होने वाला, धीरे धीरे आप ट्रांजिशन पॉइंट में आएगा, धीरे धीरे ट्रांजिशन कर्व आपके स्ट्रेट पॉइंट की तरफ बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होगा कि फिर धीरे धीरे आपका सुपर एलिवेशन भी कम होता जाएगा, और जहां पे आपका ट्रांजिशन पॉइंट खत्म होता है वहां पे सुपर एलिवेशन भी जीरो हो जाएगा। तो ये था दोस्तों स्टेशन कैसे मार्क करते हैं, कैलकुलेशन बताया, वी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पॉइंट कैसे मारते हैं वो भी समझाया, एंड देन अभी हमने समझा यहां पे सुपर एलिवेशन क्या होता है। सो होप गाइज आज का जो कंटेंट था बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। स्टिल इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आता मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट कैसे करोगे आप? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके, और लाइक एंड कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।